अब बात करते हैं जनरल फॉर्म की। जब हम फंक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन का देंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देंगे फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप वेरिएबल का नाम देते थे बिल्कुल वैसे ही आप फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर आप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। आप कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं या फिर आप एक भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैरामीटर पास करें, आप जीरो और मोर पैरामीटर पास कर सकते हैं। फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसेस से और फंक्शन की बॉडी एंड होती है कर्ली ब्रेसेस पर। फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होने से एंड होने तक के बीच में आप उन स्टेटमेंट को लिखेंगे जो कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं, जो फंक्शन के अंदर आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पर कितने भी स्टेटमेंट रह सकते हैं। लास्ट में आपको फंक्शन के अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट दिख सकता है जो रिटर्न करता है किसी वैल्यू को। इन सभी के बारे में समझते हैं धीरे धीरे। रिटर्न टाइप कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, जितने भी डेटा टाइप आपने अभी तक पढ़े वो भी हो सकते हैं, और कुछ यूजर अपने खुद के डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकता है जिनको हम आगे सीखेंगे वो भी हो सकते हैं। कौन कौन से डेटा टाइप आपने सीखे हैं अभी तक जिन पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है? कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट, ये तीन डेटा टाइप पर हमने बहुत काम किया है। इसके अलावा हमने डबल भी सीखा है और वॉइड भी सीखा है। तो याद रखिए वॉइड क्या है, एक डेटा टाइप जिसकी वैल्यू क्या होती है, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो जब भी आपने मेन फंक्शन देखा है तो हमेशा क्या देखा है, उसको वॉइड के साथ देखा है। जब भी कोई फंक्शन खत्म होता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है किसको, जिस फंक्शन ने उसको कॉल कराया हो उसको। तो मेन फंक्शन को कौन कॉल कराता है, सीपीयू प्रोसेसर कॉल कराता है। तो मेन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, कुछ भी नहीं, या तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है या फिर वन रिटर्न करता है। तो जब हम मेन फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं तो हम देते हैं वॉइड, VOID, मतलब हम नहीं चाहते कि मेन फंक्शन कोई भी सिग्नल बाहर दे। कुछ भी रिटर्न करने का मतलब सिग्नल देना होता है। लेकिन जब कोई और फंक्शन रिटर्न होता है तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उससे कोई ना कोई डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, या तो इंटीजर रिटर्न करवाएंगे या कैरेक्टर रिटर्न करवाएंगे या फ्लोट रिटर्न करवाएंगे या फिर अपने खुद के बनाए हुए डेटा टाइप से भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। फंक्शन का नाम इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन को कॉल करने के लिए, जिस तरह से आपका नाम इस्तेमाल किया जाता है आपको एक आइडेंटिटी देने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन का नाम इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए। पैरामीटर्स, जीरो और मोर वेरिएबल्स, आप एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स दे सकते हैं। पैरामीटर्स कुछ नहीं होते, सिंपल वेरिएबल्स होते हैं। आपकी मर्जी है आप कोई पैरामीटर ना दें, और आपकी मर्जी है आप एक से ज़्यादा पैरामीटर्स दे सकते हैं। जिस तरह मेन के केस में हम देखते हैं, मेन फंक्शन के लिए कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता। अगर यहाँ पर कोई पैरामीटर पास होता तो इस ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल जरूर लिखा हुआ होता। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। हम अपने पिछले एग्जाम्पल को ही मॉडिफाई कर लेते हैं, या फिर हम एक सरल प्रॉब्लम लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है, इंटीजर स्क्वायर इंटीजर नंबर रिटर्न नंबर इंटू नंबर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इंटीजर क्या है, रिटर्न टाइप। आपने अभी अभी फंक्शन का जनरल फॉर्म देखी थी। सबसे पहले क्या होता है, रिटर्न टाइप, उसके बाद होता है फंक्शन का नेम, ब्रैकेट के अंदर होते हैं पैरेंथेसिस सॉरी पैरामीटर, और सबसे लास्ट में होते हैं उसके स्टेटमेंट बॉडी के अंदर। तो आप यहां देखिए क्या है, इंटीजर क्या है, रिटर्न टाइप, मतलब ये फंक्शन जिसका नाम स्क्वायर है एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है एज अ पैरामीटर। ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर, कितने पैरामीटर हैं, एक, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और जिसका नाम क्या है, नंबर। बॉडी के अंदर लिखा है रिटर्न, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है फंक्शन की बॉडी के अंदर, और क्या है, रिटर्न, क्या रिटर्न करता है, नंबर इंटू नंबर। तो जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए नंबर की वैल्यू 2 आती है तो 2 इंटू 2 4, 4 क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब देखिए अगर इंटीजर का गुणा इंटीजर से होगा तो जो डेटा टाइप आएगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है जिसका नाम स्क्वायर है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो कहाँ जाती है, उस फंक्शन के पास जाती है जिस फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया होता है। देखते हैं, दिस फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर वैल्यू एंड रिटर्न इट्स स्क्वायर। ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को लेता है और स्क्वायर को रिटर्न करता है। हमने कुछ देर पहले जो प्रोग्राम बनाया था एक्स की पावर ए प्लस वाई की पावर बी और जेड की पावर सी को कैलकुलेट करके उनका प्लस निकालने का, तो उस प्रोग्राम को हम फंक्शन के जरिए करके देखते हैं कि कैसे हमारे इस प्रोग्राम को फंक्शन आसान बना सकता है। तो उसके लिए हम इस लॉजिक को, लॉजिक क्या है, वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये पूरा क्या है, एक लॉजिक है। तो आप इसको क्या कीजिए, कट कीजिए यहां से,
और मेन फंक्शन के बाहर जाके देखिए, मेन की बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ पर खत्म हो रही है मेन की बॉडी, यहाँ पर खत्म हो रही है। तो हम मेन की बॉडी से बाहर जाने के बाद एक फंक्शन बनाते हैं, और फिलहाल हम इस बात को नहीं देखते कि क्या रिटर्न होना चाहिए या फिर क्या कैलकुलेट होना चाहिए। इस समय हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, पावर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आप फंक्शन का नाम दीजिए पावर, ब्रैकेट में। अब देखिए पावर किसकी कैलकुलेट होगी, पावर किन्हीं की ना किन्हीं वेरिएबल्स की ही कैलकुलेट होगी। तो हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं ए, और एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं बी, और हम ए टू दी पावर बी कैलकुलेट करेंगे। यहां से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी और यहां पर फंक्शन की बॉडी एंड होगी। क्या करें, सबसे पहले जो हमने कोड ऊपर से अभी भी कट किया था उसको यहां पर पेस्ट करते हैं। एडिट पर जाइए, पेस्ट बटन पर क्लिक कीजिए, तो ये कोड यहां पर पेस्ट हो गया। तो यहां देखिए क्या होगा, ये फंक्शन तब तक चलेगा जब तक ए बड़ा है, लेकिन हमें क्या करना है, ए टू दी पावर बी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर व्हाइल लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक बी की वैल्यू एक से बड़ी या बराबर है। इसके अलावा हमें यहां पर एक वेरिएबल भी देना पड़ेगा जिसका नाम हम रख देते हैं पावर ऑफ ए, और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। तो यहां पर पावर ऑफ ए कैलकुलेट होगी इनटू ए होना चाहिए, और क्या माइनस माइनस होना चाहिए, वी की वैल्यू एक घटनी चाहिए। तो आपने देखा हमारा बिल्कुल वही लॉजिक है, लॉजिक में हमने कहीं पे भी चेंज नहीं किया है। तो फाइनली पावर कैलकुलेट हुई, और इस पावर की वैल्यू को हम रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न करने का मतलब होता है कि जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो उस फंक्शन के पास चली जाएगी जिस फंक्शन ने उस फंक्शन को कॉल किया है। तो यहां पर हम लिखते हैं इंटीजर रिटर्न, रिटर्न करने के लिए आप कीवर्ड देंगे रिटर्न, और उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल को हम रिटर्न करना चाहते हैं। पावर ए को हम रिटर्न करना चाहते हैं। अब पावर ए का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, देखिए पावर ए किस तरह का है, इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे हम लोगों ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं इंटीजर टाइप का पावर ए। तो पावर ए यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। तो हम आप समझे हमने क्या दिया, यहाँ पर दिया रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर 1, यहाँ पर पैरामीटर 2, उसके बाद हमने अपना लॉजिक लिखा जो भी हम लिखना चाहते थे। हम हमेशा मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते थे किसी भी रिजल्ट को शो कराने के लिए, लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं लिखा है। इस बार हमने क्या लिखा है, रिटर्न करवाया है वैल्यू को, जो भी हमने कैलकुलेट किया उस वैल्यू को हमने रिटर्न करवाया है। तो रिटर्न करवाने के केस में अब आप देखिए, अब ये मेन का प्रोग्राम कितना आसान हो जाएगा। सब कुछ डिलीट कर दीजिए, हमारे पास पावर का प्रोग्राम है, हम पावर कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास फंक्शन बना हुआ है। तो आप क्या कीजिए, इंटीजर टाइप का एक्स वाई जेड ए बी और सी, ये 6 वेरिएबल डिफाइन कीजिए। यूजर से स्कैन करवा लेते हैं 6 वैल्यूज को, परसेंट डी थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6th वेरिएबल के लिए। एंड एक्स सबसे पहले, उसके बाद ए, उसके बाद वाई, बी, जेड और सबसे लास्ट में सी की वैल्यू को हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, पावर ऑफ एक्स कॉमा ए, इसका क्या मतलब हुआ। अब जब हमें फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम किस तरह से देते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, पावर, POW। तो हमने यहां फंक्शन का नाम दिया POW। अब इसके अंदर कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक और दो, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो आप यहां से एक पैरामीटर पास करेंगे और दूसरा पैरामीटर पास करेंगे कॉमा देने के बाद, एक कॉमा दोनों पैरामीटर को सेपरेट करेगा। ए का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और ऐसे ही बी का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो आप याद रखिए कि एक्स का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, और ए का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर। मतलब आप जिस डेटा टाइप के आर्ग्यूमेंट हैं फंक्शन के अंदर, बिल्कुल उसी डेटा टाइप के आर्ग्यूमेंट्स सेंड होने चाहिए। तो इस तरह से आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो किस तरह की है, इंटीजर टाइप की है। तो जब आप इंटीजर टाइप की एक वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं तो उसको कॉल करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। हम सबसे पहले इसको एक टेस्ट करके देखते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा पावर ऑफ एक्स इंटू ए, और यहां पर देखिए पावर ऑफ एक्स इंटू ए की जगह, एक्स कॉमा ए की जगह क्या रिटर्न होकर आएगा, पावर ऑफ ए कैलकुलेट होकर रिटर्न होकर आएगी, यानी कि वैल्यू ऑफ समथिंग जो भी यूजर ने दिया होगा वो रिटर्न होकर आएगा। हम प्रोग्राम को रन करा लेते हैं।
रन कराया प्रोग्राम को, हमने दिया 2 to the power 3, 2 to the power 3 और 2 to the power 3। आप याद रखिए, हम लोग दे तो 6 वैल्यू रहे हैं लेकिन सिर्फ प्रिंट क्या करवा रहे हैं, 2 to the power 3, यानी फर्स्ट वैल्यू सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं, एक्स की पावर ए। तो एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए 8 प्रिंट हुआ। इसका मतलब ये पावर एक्स कॉमा ए एकदम सही काम कर रहा है। अब हमें क्या प्रिंट करवाना है एक्चुअल में, प्लस पावर ऑफ वाई कॉमा बी प्लस पावर ऑफ जेड कॉमा सी। हमको इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स की पावर ए कैलकुलेट की, वाई की पावर बी कैलकुलेट की, जेड की पावर सी कैलकुलेट की और तीनों का प्लस करवा दिया और उसके बाद उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। रन कराया, 2 to the power 3, 2 to the power 3, 2 to the power 3। अगर इन तीनों को कैलकुलेट करके प्लस करवाया जाए तो क्या आउटपुट आएगा, 24। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए 24 आ रहा है। तो आपने देखा हमारा प्रोग्राम कितना कठिन था जब हम लोगों ने फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था, तो हमारा प्रोग्राम कितना कठिन था, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम काफ़ी आसान हो चुका है, अब ये प्रोग्राम उतना कठिन नहीं रहा है। तो आप फंक्शन के बारे में अब तक काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल तरह से फंक्शंस को सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको मैं बताना चाहता था कि फंक्शन के अंदर कितनी पावर होती है, फंक्शन आपके प्रोग्राम्स को कितना आसान बना देता है। आप अब उतना कठिन नहीं है इस प्रोग्राम को बनाना और आप सोच सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। हम अब स्मॉल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो सीखा वो एक काफी कठिन एग्जाम्पल था और काफी बड़ा था। अब हम लोग फंक्शन के बारे में स्टार्टिंग से सीखते हैं। तो अब तक आप इतना तो समझ चुके हैं कि मेन एक फंक्शन है और वॉइड क्या है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। जब ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है तो हम उसके लिए यहाँ पर रिटर्न टाइप लगाते हैं। मेन फंक्शन, क्योंकि मेन एक फंक्शन है तो इसलिए इसके आगे ये ब्रैकेट स्टार्ट होगा और एंड होगा, और मेन की बॉडी स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसेस से और मेन की बॉडी बंद होती है कर्ली ब्रेसेस पर, या फिर किसी भी फंक्शन की बॉडी कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होकर कर्ली ब्रेसेस पर क्लोज होती है। इस फंक्शन के अंदर हम किसी और फंक्शन को भी कॉल करा सकते हैं, लेकिन कॉल कराने से पहले हमें उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी होगी। वो फंक्शन कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो हम मेन से पहले एक फंक्शन देते हैं void, क्या हुआ ये फंक्शन का रिटर्न टाइप। फंक्शन का नाम हम लिखते हैं प्रिंट हेलो। हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो हमेशा हेलो प्रिंट कराए। बॉडी स्टार्ट होगी कर्ली ब्रेसेस से और बॉडी क्लोज होगी कर्ली ब्रेसेस पर। इन ब्रैकेट पर याद रखिए, ये कब लगाए जाते हैं, जब हम किसी फंक्शन को लिख रहे हैं, हमेशा फंक्शन के आगे ये ब्रैकेट लगाए जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन से जो काम करवाना है हम इस फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो हमेशा हेलो प्रिंट कर दिया करे। फंक्शन एक बार कॉल होगा तो एक बार हेलो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमारा एक फंक्शन तैयार हुआ, लेकिन इस फंक्शन का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसको कहीं यूज ना करें। तो हम इस फंक्शन को यहीं पर यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, देखिए यूज करने का मतलब क्या है कि आप उस फंक्शन को इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे, कॉल करके आप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को आप कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके नाम के जरिए। आपको कैसे बुलाया जाता है, आपके नाम के जरिए। तो ऐसे ही फंक्शन को भी कैसे बुलाया जाएगा, उसके नाम के जरिए। तो फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट हेलो। और जब भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये आगे ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिए, और क्योंकि ये कॉलिंग है यहाँ पर आपको डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है तो आप लगाएंगे सेमी कोलन। तो आप एक चीज पर गौर कीजिए, जिस तरह से गेट सी एच लिखा है बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हेलो लिखा है। प्रिंट हेलो के बारे में आप जान चुके हैं कि फंक्शन है और यहां से ये कॉल हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही गेट सी एच भी एक फंक्शन है और ये भी कॉल हो रहा है। प्रिंट हेलो की डेफिनेशन आपने ऊपर लिखी है, लेकिन गेट सी एच की डेफिनेशन कहाँ है, इसके बारे में हम कुछ देर में सीखेंगे। रन कराते हैं प्रोग्राम को। रन कराने पर हेलो प्रिंट होना चाहिए, देखिए हेलो प्रिंट हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से कॉल हुआ फंक्शन। एक काम करते हैं, F7 प्रेस करते हैं, तो देखिए जब भी प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है तो हमेशा मेन फंक्शन कॉल होता है। तो देखिए सबसे पहले जो कंट्रोल फ्लो है प्रोग्राम का कहाँ पर है, मेन पर है। इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो कहाँ जाएगा, प्रिंट हेलो पर जाएगा। अब ये वाला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल कहाँ पर स्विच कर जाएगा, प्रिंट हेलो फंक्शन पर। देखिए F7 प्रेस करते हैं, फिर से प्रिंट हेलो पर आ गया। प्रिंट हेलो के बाद गेट सी एच पर तो नहीं गया, कहाँ पर गया,
फंक्शन की डेफिनेशन में गया, अब फंक्शन के अंदर जाएगा और इस फंक्शन के अंदर जो भी काम होगा वो हो जाएगा। क्या होना है? हेलो प्रिंट होना है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल फ्लो कहाँ रिटर्न होगा? जहाँ से आपने इसको कॉल किया था, जहाँ से कॉल हुआ था वहीं पर वापस चला जाएगा कंट्रोल फ्लो। F7 प्रेस करते हैं तो कहाँ पर आया? प्रिंट हेलो की बॉडी खत्म हो रही है, F7 प्रेस कीजिए। कहाँ पर लौटेगा? मेन पर लौटेगा। मेन पर लौटने के बाद गेट सीएच हुआ था इसलिए हमारे सामने स्क्रीन रुकी थी और उसके बाद फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई। एक काम करते हैं, एक और यहाँ पर प्रिंट हेलो स्टेटमेंट देते हैं और एक बार और दे देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इस तरह हमने तीन स्टेटमेंट दिए, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो। तो फंक्शन कितने बार कॉल होगा? तीन बार कॉल होगा। जब भी आप देखना चाहते हैं कि प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो किस स्टेटमेंट के बाद किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, तो उसके लिए आपको बोरलैंड सी प्लस प्लस एक एनवायरमेंट देता है। आप क्या कीजिए, टूल ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर टर्बो डिबगर पे क्लिक कीजिए। जब आप टर्बो डिबगर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलकर आएगी इस तरह से। आप इस विंडो को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इस विंडो पर आने के बाद जब F7 प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे चेंज हो रहा है। आप क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप F7 बटन प्रेस करना स्टार्ट कीजिए। F7 बटन प्रेस की तो देखिए ये जो एरो दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है कंट्रोल फ्लो इस समय कहाँ पर है, प्रोग्राम का कंट्रोल इस समय कहाँ पर है। तो आप इस एरो पे नजर रखिए, इसके बाद आपको पता लगेगा कि किस तरह से हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो चेंज हो रहा है। बस आपको क्या करना है, हर बार एक F7 बटन प्रेस करनी है। तो देखिए जब भी हम F7 बटन प्रेस करेंगे, ये हमने F7 बटन प्रेस की तो प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो देखिए चेंज हो रहा है। देखिए प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो चेंज होता जा रहा है, इस तरह से प्रोग्राम का कंट्रोल काम कर रहा है। तो अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करा के देखते हैं अपने आप और प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो देखेंगे। तो इस समय हमने प्रोग्राम को रन नहीं कराया है और प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं है। तो जब F7 प्रेस की जाएगी तो प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा। जब रन होना स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन से रन होना स्टार्ट होगा। F7 प्रेस करते हैं तो पूछ रहा है कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है, कि आप रीलोड करना चाहते हैं? बोलिए यस। तो प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए कंट्रोल फ्लो कहाँ पर है? मेन पर है। फिर से F7 प्रेस कीजिए तो कंट्रोल फ्लो कहाँ पर आएगा? बॉडी के अंदर आएगा और पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। इस समय कंट्रोल फ्लो यहाँ पर है, जैसे ही हम F7 प्रेस करेंगे तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंट्रोल फ्लो कहाँ पर जाएगा वो देखते हैं। F7 प्रेस कीजिए, देखिए कहाँ गया कंट्रोल फ्लो? फंक्शन पर गया, फंक्शन की डेफिनेशन पर गया। प्रिंट हेलो फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ और उसकी डेफिनेशन कॉल हो गई। F7 प्रेस करते हैं तो अब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? प्रिंट हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए प्रिंट हेलो की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद ये वाला फंक्शन टर्मिनेट होगा। और फंक्शन टर्मिनेट होने के बाद कंट्रोल फ्लो कहाँ पर रिटर्न होकर आएगा? कंट्रोल फ्लो रिटर्न होकर आएगा मेन फंक्शन की बॉडी में, क्योंकि मेन फंक्शन ने प्रिंट हेलो फंक्शन को कॉल किया था। F7 प्रेस कीजिए तो देखिए कंट्रोल फ्लो कहाँ पर आया? अब सेकेंड लाइन पर आया, पहली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसी तरह से अब फिर से F7 प्रिंट करेंगे तो देखिए कंट्रोल फ्लो कहाँ गया? वापस प्रिंट हेलो फंक्शन पे गया। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम, आप F7 प्रेस करते रहिए, आपको पता लगेगा कि कंट्रोल फ्लो कहाँ पर जा रहा है। तो जब फाइनली कंट्रोल फ्लो खत्म होगा, देखिए गेट सी एच पर आया तो देखिए तीन बार हेलो प्रिंट हो चुका है। F7 प्रेस कीजिए और अब प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो कहाँ पर है? इस जगह पर है। F7 प्रेस कीजिए, प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। ओके कीजिए और इस विंडो को बंद कर दीजिए। तो जब भी आप देखना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, F7 बटन को प्रेस करना होगा। लेकिन उसके पहले आप टूल्स मेन्यू पर जाइए और टर्बो डीबगर को ऑन कीजिए। ऑन करेंगे तो प्रोग्राम आपके सामने खुलकर आएगा। आप इस प्रोग्राम को F7 प्रेस करते हुए पूरा एग्जीक्यूट कराइए, आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो किस तरह से एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर ट्रांसफर होता है। इसको हम बंद करते हैं अभी। तो इस तरह से आपने देखा कि फंक्शन किस तरह से कॉल हो रहे हैं, लेकिन प्रिंट हेलो एक अकेला फंक्शन है। अब हम एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, वॉइड प्रिंट हेलो। हमने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने प्रिंट हेलो दिया है और ये भी क्या काम करता है, हेलो को प्रिंट कराता है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि ये हेलो को दो बार प्रिंट कराता है ना कि एक बार। ये हेलो को दो बार प्रिंट करवाता है। तो देखते हैं क्या आप प्रोग्राम रन होगा, रन कराइए। तो देखिए प्रोग्राम में एरर आ रही है और एरर आने का रीजन क्या है उसको भी देख लेते हैं। मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर प्रिंट हेलो,
प्रिंट हेलो के लिए एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप एक ही नाम के दो वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, बिल्कुल वैसे ही आप एक ही नाम के दो फंक्शन एक ही प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें फंक्शन का नाम बदलना पड़ेगा। इस फंक्शन का नाम हमने दिया प्रिंट हेलो वन, और ये दो बार हेलो प्रिंट कराता है। और जब हम कॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमने प्रिंट हेलो को कॉल किया, अगली बार हमने प्रिंट हेलो वन को कॉल किया, और अगली बार प्रिंट हेलो को कॉल किया। यहाँ पर अंतर नज़र आए इसके लिए हम यहाँ पर एक टैब दे देते हैं। अब रन कराते हैं तो देखिए पहली बार हेलो प्रिंट होगा, दूसरी बार में दो बार हेलो प्रिंट होगा, और तीसरी बार में हेलो प्रिंट होगा। तो इस तरह से आपके फंक्शन की कॉलिंग होती है।